निकाय के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचे बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया था कि नगर निकाय चुनाव में मेरी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये कूड़ा उठाने वाला चुनाव है। अब सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि इस चुनाव में सपा बसपा के कूड़े कचरे को साफ करना है। इन मतदाताओं का पान करने का प्रयास हो रहा है, सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर थे। यहां वरुण गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ भी की, साथ ही उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिम समाज की सराहना की। इस भाषण की खास बात ये रही कि वरुण गांधी अपनी ही बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर घेरते नजर आए। तो ये पंडित जी के पास गए, इन्होंने कहा पंडित जी प्रणाम बैठिए। तुमने कहा पंडित जी आपने मुझे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया कि हाजी बनाया। तुमने कहा जी मैंने तो 6 महीने पहले आपको बद्दी बद्दी गालियां दी सदन में। तो नेहरू जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में ज्यादा नेहरू नेहरू चल रहा है, ऐसे भी लोग बड़े पदों पे आसीन होने चाहिए जो नेहरू को कोई खास कुछ ना समझे। अब आप सोचो कितने बड़े दिल के लोग उस समय देश को चला रहे थे, कितनी बड़ी सोच थी। और आज देखने को क्या मिल रहा है कि आज किसी एक आदमी को गांव का पंच बन जाता है तो ऐसा लगता है कि वो देश का बिल्कुल मालिक बन गया है। मणिपुर में भड़की हिंसा के बीच यूपी के छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन को भेजे गए वीडियो में यूपी के छात्रों ने अपनी परेशानियां बताई हैं। सीएम योगी ने कल ही सभी छात्रों को हर संभव मदद देने की बात कही थी। दिक्कत है, ये लोग अपना जो है भर के रखते हैं, एक एक बाल्टी एक एक मग यूज करते हैं। धमाका होते रहता है यहाँ, तो आप लोग सो पाते हैं रात में? नहीं सो पाते। सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची कानपुर। सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के समर्थन में उन्होंने किया रोड शो। प्रचार के बीच में हनुमान मंदिर पहुंची डिंपल, पूजा और आरती कर मांगा बजरंग बली से आशीर्वाद। भयंकर गर्मी में श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम में लगे खास प्रकार के टेंट, गंगा द्वार से लेकर मुख्य मंदिर परिसर तक लगाए गए टेंट, श्रद्धालुओं के न जले पैर और उनके सिर पे न लगे धूप, इस वजह से ये टेंट लगवाए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए सर बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हम लोग जैसे यहाँ पे आज सुबह आए एंटर किए वाराणसी में, सबसे पहले तो टेंट चांदनी लगे हुए हैं यहाँ पे रुकने के लिए और मैट बिछाए गए गर्मी से बचने के लिए। अगर हम लोग स्लीपर निकाल के अपना चल रहे पैदल तो उसके लिए मैट बिछा हुआ है प्रॉपरली। बहुत अच्छा व्यवस्था है, हम पहली बार देखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है कि इतने जितने लोग यहाँ आ रहे हैं टूरिस्ट, उन लोगों को जो है बढ़िया से सुविधा मिल रही है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं।